हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर लर्निंग प्लेटफॉर्म द इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोसर। आज हम आर्टिकल कई लेवल नंबर 2 के पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि इस सीरीज के अंतर्गत आप लोगों को 2 वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा। एक वीडियो आप लोगों ने पहले देख ही लिया होगा, अब दूसरे वीडियो की बारी है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, फिर वही कहूंगा कि पहले आप लोग अपने आप उन सेंटेंसेस को बनाइएगा, इसके बाद टैली कीजिएगा और जो भी फॉल्ट्स हैं उनको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंसेस मौजूद हैं। इन सभी में हो सकता है आर्टिकल की फॉल्ट हो। अगर नहीं है तो आप वहां पर नो एरर शो कर दीजिएगा, मतलब उसको अपने हिसाब से आप टिक कर लीजिएगा कि हाँ भाई, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। आई होप आप लोग काम बड़ी ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने काम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। द मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, द मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जरा समझिएगा ध्यान से। बहुत ज्यादा फॉल्ट पूछी जाती है। देखो यहां पर गड़बड़ी क्या है, द मिल्क लगा हुआ है। मिल्क क्या है, यह है एक मटेरियल नाउन, और अगर मटेरियल नाउन की बात की जाती तो मटेरियल नाउन से पहले द का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मटेरियल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अपवाद भी है, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो द मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, एक आम तौर पर मिल्क की ही बात की गई है, तो यहां पर द हटा दीजिए तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। मजा आया होगा। गोल्ड ऑफ योर रिंग इज नॉट प्योर, गोल्ड ऑफ योर रिंग। अब सेंटेंस को तोड़ते हैं, जरा देखते हैं भाई कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है। गोल्ड ऑफ योर रिंग, गोल्ड मीन्स सोना, ऑफ योर रिंग मीन्स आपकी अंगूठी का, कोई दिक्कत नहीं लग रही ना। इज नॉट प्योर, तो यहां पर तो आर्टिकल नहीं, यहां पर भी आर्टिकल नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता, तो क्या यहां पर आएगा? जी हाँ, यहां पर आर्टिकल आएगा और यहां पर आर्टिकल आएगा द। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात। देखो यहां पर एक मटेरियल नाउन है मिल्क, तो उसके पहले मैंने कहा कि आर्टिकल यूज नहीं होगा। यहां पर गोल्ड भी तो एक मटेरियल नाउन है, तो फिर भाई गोल्ड के पहले द क्यों यूज होगा? इसका भी रीजन है कि अगर नॉर्मली मटेरियल नाउन को यूज किया जाएगा, नॉर्मल वे में यूज किया जा रहा है, तो आप उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस मटेरियल नाउन को, जो मटेरियल है, उसको पार्टिकुलराइज कर दिया जा रहा है, तो आप उससे पहले द का प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगे। दैट्स वाई यहां पर द गोल्ड होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि गोल्ड ऑफ योर रिंग इज नॉट प्योर, आपकी अंगूठी का सोना, मीन्स आपकी अंगूठी के सोने की बात की गई, पूरे दुनिया के सोने की बात नहीं की गई, मतलब पूरी दुनिया के गोल्ड की बात नहीं की गई है। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया, मजा आ गया होगा सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर विल गो देयर, सिंपल सा सेंटेंस है, एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा चुन्नू मुन्नू सेंटेंस। तो देखते हैं गलती है, जी हाँ बिल्कुल इसमें गलती है या नहीं है। इसमें नो एरर लिख दें? अरे नहीं भाई, नो एरर मत लिख देना, गलती है इसमें। अगर कोई भी ऑनरेबल व्यक्ति है, ऑनरेबल पोस्ट है, तो उससे पहले आपको द का यूज करना होगा, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। तो यहां पर हमें क्या करना होगा? द लगाना होगा, द चीफ मिनिस्टर विल गो देयर। कितना इजी सेंटेंस है, मजा आया। My mother is cooking in a kitchen. अरे भाई यहां पर देखते हैं, My mother, सब्जेक्ट सही, यहां पर my the mother थोड़ा ना होगा पॉजिटिव केस के बाद में, is बिल्कुल सही, cooking बिल्कुल सही, in हाँ भाई अंदर ही है, a kitchen। अब जरा खुद सोचो यार, ये a क्या कर रहा है यहां पर भाई? इस ए की कोई जरूरत नहीं है, मेरी माताजी किचन में खाना बना रही हैं, मीन्स रसोई घर में खाना बना रही हैं। तो एक रसोई घर क्या, 10-20 रसोई घर एक ही घर में एक ही जगह पे बने हुए हैं क्या? ऐसा नहीं है ना, तो इसलिए यहां पर एक ही कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी माता जी एक किचन में खाना बना रही हैं। अरे किसी के सामने कह मत देना, मजाक उड़ाएगा। चाइनीज आर फॉन्ड ऑफ चाउमीन, चाइनीज आर फॉन्ड ऑफ चाउमीन। तो देखिएगा चाइनीज वैसे क्या है, ये तो भाई एक लैंग्वेज है, ठीक है लैंग्वेज है। अगर हम इसको नेशनलिटी में चेंज कर दें, तो नेशनलिटी में चेंज करने के लिए इससे पहले हमें क्या लगाना होगा? नेशनलिटी के लिए इससे पहले हमें क्या लगाना होगा? द लगाना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये बात आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बता रखी है कि लैंग्वेज से पहले द लगता भी है, नहीं भी लगता है, लेकिन यहां पर द लगेगा। द चाइनीज आर फॉन्ड ऑफ चाउमीन, मीन्स चीन के लोग
फॉन्ड ऑफ मीन्स पसंद करते हैं चाउमीन में, चाउमीन को, चीन के लोगों को चाउमीन पसंद है, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, बड़ा मजेदार सेंटेंस है, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अब जरा समझते हैं, सेंटेंस देखते हैं, सबसे पहले तोड़ लें, द इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश उससे पहले द लगा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, अंग्रेज, जरा ध्यान से समझिएगा, अंग्रेज इज मीन्स इन द लैंग्वेज मीन्स क्या हुआ, भाषा, ऑफ द इंग्लिश इसका भी मतलब क्या हुआ, अंग्रेज, तो अंग्रेज अंग्रेजों की भाषा है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे ना, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, तो अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा मीन्स ये तो सही है बट ये यहां पर गलत है, तो इसके लिए क्या हटा दें, इसमें से द हटा दें, तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ठीक है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। आई होप बेसिक लेवल में आप लोगों ने अपना लेवल चेक कर लिया है, स्टैंडर्ड लेवल की भी बात करेंगे बट थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ जाने के बाद, तो प्लीज सपोर्ट करते रहे, जबरदस्त तरीके से अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, जो आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं जबरदस्त तरीके से वीडियो शेयर कर दीजिए, हर एक बच्चे तक ये वीडियोस पहुंच जाने ही जाने चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।